जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ लाइव में, और मेरे साथ गौरव जयराम जी हैं। आप लोग पहचानते ही होंगे, कोई परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी आप लोगों को हम बता दें कि हमारे ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और फिलहाल में भाईपुर के प्रधान हैं, यूपी से, उत्तर प्रदेश से। और आज का जो चर्चा का विषय है वो है कि रेलवे टेक्नीशियन की जो भर्ती होने वाली है उसमें आईटीआई सिलेबस को हटा दिया गया, और बहुत सारे कॉल मैसेज आ रहे हैं हमारे संगठन को कि भाई आप लोग इस पे कुछ बोल नहीं रहे, कुछ एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन बच्चों का नुकसान है जो रेगुलर से आईटीआई कर रहे हैं। वो आईटीआई में टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, अब उस टेक्निकल विषय से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो होगा क्या कि उनको अलग सा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। फायदा उन बच्चों को होगा जो आईटीआई का सर्टिफिकेट ले लिए हैं और एसएससी सीजीएल तमाम चीजों का तैयारी करते हैं, उनके उनका बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा इसमें। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का काफी नुकसान है जो गांव से हैं, जो आईटीआई करके उम्मीद लेके बैठे हुए हैं कि हमको भाई कुछ इसका फायदा होगा। इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय महासचिव गौरव जयराम जी जुड़े हुए हैं। तो स्वागत है सर आपका इस लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरा सभी को नमस्कार है, ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के सभी साथियों को मेरा नमस्कार है, और जो भी लोग इस लाइव प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको सबको मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को आज जो है उठाने का काम किया है, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। पहला सवाल ये है कि जिस तरह सिलेबस में बदलाव कर दिया अचानक, तो इस पे हम सीधे सवाल पाते हैं, इस पे एआईटीओ का क्या एक्शन होगा, क्या हम लोग करने वाले हैं इस पे? देखिए, ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हर मुद्दे की उसने जो है खिलाफत की है जो आईटीआई पॉलिटेक्निक या टेक्निकल से जुड़े हुए छात्रों के साथ में जब जब भी खिलवाड़ करने का काम पाते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। और ऐसी परिस्थिति में कि जब उनको 3 साल के लिए, जब बच्चा पॉलिटेक्निक करता है और उसको 3 साल के अंदर में 6 सेमेस्टर जब वो पढ़ाई करता है, और 6 सेमेस्टर के अंदर में वो लगभग 30 से 36 सब्जेक्टों को पढ़ता है, और 30 से 36 जो बुक होती हैं उसकी, वो बुकें उसकी कोर से रिलेटेड होती हैं, टेक्निकल से रिलेटेड होती हैं। पूरा का पूरा 3 साल का पीरियड वो प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली वो वहां पे पढ़ाई करता है, ऐसे ही आईटीआई की वो पढ़ाई करता है जी। लेकिन पास आउट होने के बाद में जब वो गवर्नमेंट नौकरी के लिए जाता है तो उसको उस 3 साल की उसकी कड़ी मेहनत का उसको वो मिलना चाहिए, उसको फायदा मिलना चाहिए, और वो उसको फायदा मिलता था कि वो टेक्निकल पोर्शन जब एग्जाम के अंदर में होता है तो वो जो 3 साल उसने संघर्ष किया, जो मेहनत किया है, वो वहां पे अपने नंबर जो है पा करके वो जॉब पा लेता है। एक सबसे बड़ी बात तो ये है सर इसमें कि देखिए, इसमें 2 चीजों का नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो ये है कि एक गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा जो गांव में 10वीं 12वीं करने के बाद आईटीआई करता है और पॉलिटेक्निक करता है, वो सरकारी नौकरी पाने की आस रखता है और सरकारी नौकरी वो पाता भी है। ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि गांव में पहली बार सरकारी नौकरी लगती है गरीब के बच्चे की आईटीआई पॉलिटेक्निक करने के बाद में। पहला नुकसान तो ये कि हम उन गरीब लोगों को, किसान लोगों को, मजदूर लोगों को वंचित रख रहे हैं, मुख्य धारा में आने से हम रोकने का काम कर रहे हैं। अगर हम टेक्निकल पोर्शन जो है सिलेबस से अगर हम हटाते हैं तो सीधी सीधी बात है कि भाई आप उन 70-80% जो पॉपुलेशन है जो गांव में निवास करती है उनके साथ में आप कहीं ना कहीं धोखा कर रहे हैं। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात सर यहाँ पे ये भी है कि आप देखिएगा कि जब वो टेक्निकल पोस्ट पर आप वैकेंसी जब आप निकालते हैं तो जो बच्चा पॉलिटेक्निक आईटीआई किया होता है, टेक्निकल में उसकी कमांड होती है, टेक्निकल वो पढ़ता है ठीक तरीके से, वो जब अपनी जॉब करता है तो वो बहुत अच्छी स्किल्ड और कुशलतापूर्वक अपने उस वर्क को करने में वो सक्षम होता है। टेक्निकली उसको जानकारी होती है, टेक्निकली उसका माइंड होता है, और टेक्निकली तरीके से वो सोच सकता है, किसी भी एनी सिचुएशन से उसको निकलने के लिए बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि एक नॉन टेक्निकल जो पर्सन होता है, नॉन टेक्निकल पर्सन का एक आईक्यू लेवल और उसका जो सोचने का तरीका है वो एक अलग होता है, ये आपको मानना पड़ेगा जी। और टेक्निकल का एक अलग होता है। टेक्निकल किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए उसको ट्रेंड किया जाता है, जो वो 36 सब्जेक्ट वो पढ़ता है पॉलिटेक्निक के अंदर में, उसमें हर बिंदु का एक सब्जेक्ट होता है जो उसको लाइफ में फेस करना होता है, चाहे वो जी। अभी हमारे साथ 150 बच्चे जुड़े हुए हैं जो लाइव आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तमाम गुड मॉर्निंग, सब लोगों को वेलकम है। और जो मुख्य मुद्दा है हम लोगों का कि आईटीआई
का जो सिलेबस है उसको रेलवे टेक्नीशियन से हटा दिया गया है, और इससे इसका दुष्परिणाम ये है कि अब वैसे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जिनको आईटीआई का नॉलेज नहीं है, जो कभी कॉलेज नहीं गए हैं, जो कभी टेक्निकल नहीं पढ़े, वो लोग जाकर काम क्या करेंगे। अगर सरकार की मंशा सही होती कि हम आईटीआई बच्चों को या टेक्निकल स्किल्ड बच्चों को रखना है तो आईटीआई का सिलेबस को नहीं हटाती, लेकिन इसमें जो रेलवे का मंशा है, आरआरबी का जो मंशा है कि भाई हम एसएससी वाले बच्चों को रख लें, बड़े घर के जो बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रख लें, लेकिन जो गरीब घर के बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे सवाल न पूछ के उनके साथ बेईमानी की जा रही है। अब सीधा सवाल है आपसे कि इस पे हम लोग कौन सा कदम उठाने वाले हैं, और इसके लिए हम लोग क्या अपील करेंगे, जितने भी कोचिंग संस्थान है, चाहे आईटीआई से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे बच्चे हैं, क्या अपील है और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इसको रोकने के लिए? देखिए, मैं अखिल भारतीय तकनीकी संगठन का स्टैंड बिल्कुल साफ करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और बहुत सारे लोग हमारे को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि वो ज्यादातर ये लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ये लाइव का प्रोग्राम पहुंचे, ये संदेश हमारा पहुंचे। आप वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन की महासचिव होने के नाते अपना स्टैंड क्लियर करना चाहता हूं कि रेलवे ने जो किया है ये बहुत ही गलत किया है। इससे बच्चों के भविष्य पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं जो रेलवे की जो व्यवस्था है वो भी कहीं ना कहीं भंग होगी। आपने सही कहा कि जो बड़े घर के बड़े कोचिंगों में जो पढ़ने वाले नॉन टेक्निकल जो तैयारी करते हैं उनको यहाँ पे वो डिग्रियां वो ले लेते हैं कहीं भी जुगाड़ करके, और उसके बाद में वो यहाँ पे जॉब पा जाएंगे। वो जॉब तो पा सकते हैं लेकिन वो अपनी पूरी ताकत से उस जॉब को निर्वाहन नहीं कर सकते हैं, हम ये चैलेंज के साथ में कह सकते हैं। सरकार को ये समझना चाहिए और इसको समझाने के लिए हम लोग की कोशिश देखेंगे, बेल भी करेंगे। जितने भी संस्थान हैं देश के अंदर में वो वास्तव में ही इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, तो मैं उनसे आशा और उम्मीद करता हूं और निवेदन करता हूं कि वो आए ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ करके। अगर हमें कोर्ट के अंदर में ये पीआईएल फाइल करनी पड़ी तो अखिल भारतीय तकनीकी संगठन के नाम से हम लोग पीआईएल फाइल करने के लिए भी बिल्कुल रेडी हैं। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप सब लोग इसमें जुड़िएगा इस मुहिम में, और हम लोग इसमें जीत जाएंगे 100%। हम लोग इसमें रेलवे को और भारत सरकार को ये समझाने में हम कामयाब हो जाएंगे कि टेक्निकल के साथ में छेड़खानी ना की जाए। जो सिलेबस पहले से चला आ रहा है, जितना परसेंटेज वो टेक्निकल पोर्शन सिलेबस में दिया करते थे वो उसी तरीके से वो बना रहे, इसके लिए हम लोगों को हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, जमीन पे हम लोगों को धरना प्रदर्शन भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि समस्त कोचिंग सेंटर और सारे लोग जो टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, हमारे जो साथी जो टेक्निकल से जुड़े हुए हैं, उनको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये आपके और आने वाले, ये एक परंपरा चल जाएगी सर, ये पहली बार हो रहा है लेकिन ये आने वाले समय में ये परंपरा चल जाएगी। और आईटीआई पॉलिटेक्निक के जो कॉलेज के जो मालिक हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि जब आपके आपका जो कोर्स आप चलाते हो, जब उसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी, जब आपके कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसका लाभ ही नहीं मिलेगा बच्चे को पूरे जीवन में, तो बच्चा आपके पास में क्यों आएगा पढ़ने के लिए? पॉलिटेक्निक आईटीआई के जो कोर्सेज हैं उन पे भी गहरा इसका इफेक्ट पड़ेगा। आप देखना कि बच्चे आईटीआई पॉलिटेक्निक करने से बचेंगे, वो नहीं करेंगे बिल्कुल भी। इसलिए मैं उनसे भी निवेदन और अपील करूंगा कि वो भी आए, ये लड़ाई हम सब लोगों को मिलकर के लड़नी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को अगर हाई कोर्ट में जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, तो हम लोग इसमें पीआईएल फाइल करेंगे। ये एआईटीओ के तरफ से मैं स्टैंड क्लियर कर रहा हूँ। हमेशा आईटीआई बच्चों के साथ नाइंसाफी होती है, पिछले बार ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया गया था, और इस बार भी बहुत बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान है आईटीआई को ग्रुप डी से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने सिलेबस को चेंज करा दिया रेलवे टेक्नीशियन से, उस तरह से ग्रुप डी में कहीं ना कहीं आईटीआई को हटाने का काम करेंगे। इसीलिए मैं सभी बच्चों से अपील करूंगा कि दोस्तों पूरा संगठन तैयार है, हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी रेडी हैं, सब लोग रेडी हैं। हम लोग जो भी लीगल एक्शन होगा इस पर लेंगे, कोर्ट जाना होगा कोर्ट जाएंगे। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोग जुड़िए और इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आईटीआई बच्चों तक पहुंचाइए, आईटीआई के डायरेक्टर तक पहुंचाइए कि इस पर हम लोग काम कर रहे हैं और इसे बदलाव करके ही मानेंगे। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये पहला लाइव टेलीकास्ट है, आगे भी हम लोग जुड़ेंगे और इस पर हमारी टीम
जो संगठन है बेहद ही गहन चिंतन कर रही है और बहुत सारे कोचिंग संस्थान हम लोग के संपर्क में है, गौरव जी के संपर्क में है, जो इस पे एक लीगल एक्शन लेना चाहती है, तो हम लोग इसका तैयारी करना चाह कर रहे हैं और इसी के लिए आप लोगों को हम मैसेज देने के लिए हम लोग लाइव आए हैं, और इसका आगे जो भी डिसीजन होगा, जो भी हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, उसका सारा डिटेल्स हम लोग बताएंगे आप लोगों को। कुछ बच्चे बीएसपीसीएल को लेकर कमेंट कर रहे हैं, उस पर हम अलग वीडियो बना देंगे। तो गौरव जी आप लास्ट में जो कुछ कहना चाहते हैं एक शब्द में उतर दीजिए, इसके बाद हम लोग लाइव को एंड करते हैं। मैं फिर से एक बार, अभी लगभग 150 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, लाखों लोगों तक आप इस वीडियो को पहुंचाने का काम करें, शेयर करें, और वो पहुंचाने का काम इसलिए करें कि अभी नहीं तो कभी नहीं, और आपको सहने की आपके अंदर क्षमता पैदा करने का काम कर रही है सरकार, कि आपके ऊपर जो भी कष्ट किया जा रहा है, ग्रुप डी के अंदर में आईटीआई को हटा दिया गया, आपने सहजतापूर्वक उसको स्वीकार कर लिया, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। एआईटीओ के माध्यम से हमने बार बार आपसे अपील की, एआईटीओ के माध्यम से हमने बार बार आपसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप सड़कों पे उतरिए, आप निकलिए अपने घर से, संगठन के साथ जुड़िए, आप किसी भी संगठन से जुड़े हुए हैं, कोई भी संगठन आप चलाते हैं या नहीं भी आप संगठन चलाते हैं, तब भी आपका ये मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने भविष्य के साथ में अगर छेड़खानी हो रही है तो आप अपने आप को वहां रिप्रेजेंट करें, प्रेजेंट करें, दिखाएं कि हम जीवित हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से पुनः आग्रह करता हूं और समस्त कोचिंग सेंटरों से आग्रह करता हूं कि, और मैं ये निवेदन करता हूं कि अभी समय है, अभी आप जाग जाइए, एक एक करके आपके ऊपर वार हो रहा है, पहले ग्रुप डी से आपको हटाया गया और अब टेक्निकल से, टेक्निकल पोर्शन को ही हटा दिया गया, इससे दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। सोचने वाली बात है कि जिस पोस्ट का नाम ही टेक्नीशियन है, वहां टेक्निकल माइंड वाला बंदा चाहिए, वहां टेक्निकल सवाल होने चाहिए, टेक्निकल काम है, और वहां पे ही टेक्निकल शब्द को और सिलेबस को हटा दिया गया है, इससे गंभीर बात कोई और नहीं हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, एआईटीओ बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, पूरी ताकत से आपके साथ में खड़ा है, आप जब चाहेंगे, जब दिल्ली में जिस दिन चाहेंगे उस दिन हम हाईकोर्ट के अंदर में, इलाहाबाद में जिस दिन चाहेंगे उस दिन हम पीआईएल दाखिल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, ये मामूली काम नहीं है, इसमें संघर्ष करना पड़ेगा हम सब लोगों को मिलकर के। इसलिए मैं निवेदन करता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि सभी लोग जुड़िएगा हमारे कमेंट में, हमारे माननीय अध्यक्ष जी के मैसेज पे, ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा पेज है जिसपे 2.5 लाख से भी ज्यादा मेंबर हैं, उसके पेज पे आप मैसेज करके या जिस भी माध्यम से, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर बहुत सारे लोगों पे है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अभिषेक जी का नंबर बहुत सारे लोगों के ऊपर है, वो बात कर सकते हैं इस टॉपिक पे, अपनी राय दे सकते हैं, हमें सहयोग कर सकते हैं, आपके लिए सारे के सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को शेयर लाइक जरूर करिएगा, इस पे हम लोग बहुत गंभीर रूप से चिंता और चिंतन कर रहे हैं और आगे इसका परिणाम बहुत बेहतर होगा उम्मीद है, और आईटीआई बच्चों का भविष्य के लिए और बेहतर होने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू राष्ट्रीय महासचिव, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।